उतरो, अभी तक बेटी सोई हुई है ना, उठी नहीं, उसको उठाओ। अरे क्या उठाएंगे, ये बहुत भारी लग रही है, लगो। पैर उनका कादा कादा होगा। हाँ तो पूरा सोते सोते आ गई, हम लोग पहुँच भी गए। देखो बड़े पापा बुला रहे तुमको। मौसम देखिए, बारिश कर रहा, देखिए वहाँ पे पूरी बारिश का मौसम है, नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। दोनों यही पे आके खरीद है, बलरामपुर का है और ये मेरा पिटरवार का है, मायपुर का है। हम सामान निकाल दे रहे, तुम लोग जाओ। पहली बार जींस पहनी थी मैं ना, सोच के आ गई। होंगी इधर उधर, चेक करते हैं। आइए आइए आइए, इधर इधर आओ, इधर इधर। और कैसा रहा आपको गुस्साई? तो भी हम बोल रहे ना, यहाँ ससुराल में जरा भी नहीं रहना। इतना ठंडा बढ़ा दिया है भाई, बारिश बारिश बारिश। उस समय आया था तो गर्मी था जब हम यहाँ पे आए थे। हाँ ये देखिए, मेरे भी घर के पीछे का लोकेशन पूरे जंगल जंगल है। मेरा मायका भी वैसे ही है और कल मेरा ट्रेन है मुंबई के लिए। अभी मैं यहाँ आई हूँ अपने ससुराल। तो क्या है ना कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ना सिर्फ एक दिन ससुराल में रहूँगी, और मेरा प्लानिंग था कल आने का, लेकिन मेरी भाभी रोक दी कि चलिए। अब भाभी रोक दी तो हुआ क्या, आपको पता है दीदी, एक सेकंड के लिए झपकी नहीं मारे, रात भर जागा। 5:30 बजे तक भाभी के साथ मेरा बातचीत हुआ है, मेरी बात कर रही थी रात भर तक। 6 साल के 5 बजे तक एक सेकंड झपकी नहीं मारे। उसके बाद पापा 5 साल से बतिया ही नहीं थी ना, 5 साल का बात निकाली थी बड़ा सब। हाँ एक्चुअली इतने साल से मैके नहीं आई, तो सारा कसर रात भर उतार दी। प्यार कर रहे हैं इतना दिन से बात नहीं तो 5 बजे निकले ही है, तो अभी तक आप नहीं पहुँचे। हमको लगा ना कि कल का सुबह 5 बजे, 11 बजे। नहीं पापा ना सुबह चाय बना के पिलाए, उसके बाद नाश्ता करवाए, उसके बाद फिर चाय बना के पिलाए। जहाँ से ऐसा ठंडा मौसम है तो उतना सुबह से निकले नहीं। नहीं एक्चुअली रात भर जागे हैं, सोए नहीं है, पूरी रात बात की है। और सुनिए 5:30 बजे बात करने के बाद पापा के साथ बैठ के 2 घंटा बात की है। बात चल रहा है तो अब इतने साल के बाद मायके गए, हम नहीं भरे निकले, आज टिकट था इसलिए आना पड़ा। तो वो भी सोचे इतने बड़े रिस्क लेके, हम बिफे के दिन आए हैं, बिफे आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार में कोई भी बेटी विदा नहीं करता। सूरज निकलने का पहले निकल सकती है, वहाँ से निकल जाएगी कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरी बड़ी भाभी और ये बना रही रात का डिनर। क्या बना रही भाभी आज? पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली, अरे वाह, कल हम तो जो बनाए थे खा नहीं पाए, मिस हो गया मेरे से। ये क्या डाल रहा है? अरारोट। इतना सारा प्याज। अच्छा पनीर फ्राई हो रहा है क्या? हाँ। मुझे ना पनीर पकौड़ा बहुत पसंद है। पकौड़ा? हाँ। नेक्स्ट टाइम। हाँ कल अगर रुकते ना तो पनीर पकौड़ा खा लेते हम। पर कल है हमारी ट्रेन तो हमें निकलना है सुबह सुबह 11 बजे। ये देखो हमारी, तेरे लहसुन छीलना हो गया? हाँ नींद इतनी तेज आ रही ना मेरी आंखें, पता है जब से मुंबई से निकली तब से सोई नहीं। 6:15 बजे, 6:15 बजे आके आप अपने जाके बिताइए। हाँ ठीक है, मेरी यहाँ की छुट छुट्टी है। ये ना हंस रही है लड़की, ये लड़की हंस रही है, ये लड़की हंस रही है, ये लड़की। हाँ और इसके चेहरे में स्माइल आती नहीं है जल्दी। और ये हंस रही है सबसे बड़ी बात, ये शॉपिंग चीज है, ये नहीं हंसती, ये नहीं हंसती, ये नहीं हंसती। तुमको ना अपने पास हम रखेंगे कुछ दिन, ठीक है ना? बिल्कुल, कम से कम 1 महीना बोर्ड एग्जाम दे लो। अभी क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम दे लेगी, प्लान ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम जब ये दे लेगी ना तो इसके बाद इसको ना मैं अपने पास कम से कम 1 महीना रखूंगी, और इसको भी ना खुलकर हंसना सिखाऊंगी। बहुत कम हंसती है, एकदम से मस्त। अरे अरे आई आई, ये भी हंस के दिखा रही है।
अरे मेरा कौन सा चेहरा अच्छा है बताइए तो। मेरा अच्छा आता है ना? कुछ अच्छा नहीं है। मैं आज नहाई नहीं, मैं ब्लॉग में बताती हूँ। मैं सुबह उठी, ठीक है, यहाँ बारिश की वजह से इतनी ठंड की हिम्मत नहीं मिलाने की। रोज मैं शादी घर में ठंडे पानी से नहाई हूँ। कहने को था कि गीजर और में पानी गर्म आएगा, लेकिन शादी के घर में भीड़ इतनी, पानी गर्म टिकता ही नहीं है, खत्म हो जाता है। जहाँ जा रहा है खाई थी नहीं, क्या खाए? खाना हम अपने यहाँ से एक दाना नहीं गए, सारा आपके देवर खिलाए, मतलब मेरे हस्बैंड लंच खिलाए। उसके आके ना थोड़ा सा मेरे से ना गुस्से में बात नहीं किए थे ना? ना तो तुमको लगा गुस्साए ही नहीं थे? गुस्साए ही नहीं थे। तुम नहीं सुनी, दो बार में नहीं सुनी तो तीसरा बार तो जोर से बोले दे रहे ना बोलकर। हाँ लेकिन चीज तो सुनी नहीं थी, तो मुझे वही बुरा लग गया, तो मैंने नहीं खाई। आए अपने हाथ से जितना खाना लेके आए थे ना लंच, एक एक दाना, और देखिए हाँ थाली में जितना खाने का था सारा आइटम खिलाए अपने हाथ से खिलाए। वो आप भी बोले पानी भी आपको अपने हाथ से पिलाना होगा। पानी पी एक घंटा भर भर के सुनाई उनको भवन में खाना। तो अब वो डरेंगे ना कि थोड़ा सा भी दीदी को बोलेंगे तो मनाना पड़ेगा। हाँ इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि कभी दीदी के साथ और बात ना करें। ये तो अच्छी बात है ना, ये दिमाग तो शुरू से अम्मा के पास क्यों नहीं आया? तुम पहले भी नहीं आई थी, तो पहले क्यों नहीं आई थी? सारे दस साल हो चुके, जिताने पड़ना चाहिए हम लोग, लेकिन बन गई दीवानी। भाभी मेरा बन गया? हाँ पनीर चिल्ली, पनीर चिल्ली बन रहा है, बाकी है थोड़ा सा, थोड़ा पनीर सॉफ्ट हो जाए इसमें थोड़ा पानी डाल दो। ठंडा कितना बना दिया है, बहुत ज्यादा। ये जैकेट ये पहने हैं, ठंडा हमेशा रहेगा। तुमको मुंबई थोड़ी है? नहीं नॉन स्टॉप बारिश तो भी हो रहा है ना, बारिश है। हाँ बारिश इसीलिए ठंडा बढ़ जा रहा है, नॉन स्टॉप पानी गिर रहा है। जो कल से स्टार्ट किया दीदी, कल जा रहे आ जाए कल जा रहे हैं, देखिए ये देखिए कहाँ चढ़ के बैठ गई तू? हमको कोई जगह नहीं मिल रहा था तो बैठ गए, ज्यादा कुछ नहीं है, आराम से पालती मार के बैठ रहे हैं। और दीदी जो खाना बना रही देख रहे हैं, और मुझे भूख लग रही है, रोटी और पनीर चिल्ली हमको सब्जी देगी तो शादी के लड्डू मिठाई हम लड्डू चखे भी नहीं है। क्यों नहीं पता नहीं, खाने की इच्छा तो लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू पसंद है मुंबई। अरे बाबा शादी के घर में थे, और जब मिठाई दिखा मिठाई खाने का मन करेगा। तुम ले क्यों नहीं जा रही? तुमको तो लड्डू पसंद है, तुम यहीं पर सब बटवा दी, तुम कुछ ले जाओ वहाँ के लिए। हमको चाचा बोले मिठाई भर भर के देते, हम बोले मेरे लिए मत दीजिएगा, हमको नहीं खाना, पता नहीं क्यों खाने की इच्छा इस बार। तुमको बलरामपुर वाला लड्डू पसंद है ना? स्वाद चखाई तो कैसा लड्डू मुझे देखना है। हम ये नहीं, थोड़ा सा हम स्वाद चखाइए, क्योंकि मैंने अभी तो स्वाद ही नहीं चखे लड्डू कैसा है। वो लड्डू नहीं जो हम पसंद करते हैं। बड़ी मम्मी से पूछो, बड़ी मम्मी बनाई है। तुम तो सबको निकाल के दो, मुझे भी थोड़ा सा आटा से खेलना है। आटा से दे दीजिए खेले थोड़ा सा, नाम का आटा से बहुत खेलती है लड़की। कैसा लग रहा है पनीर चिल्ली? बहुत टेस्टी, मजा आ रहा है पनीर चिल्ली और पनीर। बोलो मम्मी आदि को पनीर भी चाहिए, अकेले सब मत खा जाना, बहुत लोग है खाने के, समझा? पनीर पनीर कर दे सबको पनीर। नहीं दीदी वो सब पनीर खा जाएगा, आपके लिए बचेगा ही नहीं। नहीं सब्जी में बहुत पनीर पसंद करता है। खाने का बच्चा वैसे क्या बोल रही हूँ, खाने तो को मतलब ये थोड़ी ना कि पनीर ही खा के पेट भरेगा, रोटी नहीं खाएगा। कितने दिन बाद सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं? बहुत टाइम के बाद, मैं सालों बाद किया, लेकिन मजा आ रहा है सिर्फ बैठे खाने में। भाभी आप भी आते साथ में खाते ना, मजा आता। हम बनाएंगे खाएंगे, वेट करते हम। नहीं नहीं बच्चा लोग खाते हैं, खाते हैं। लो किसको पनीर चाहिए? आप लो।
आदि बेटा जितना ले रहे हो ना सब खाओगे, छोड़ना नहीं लास्ट में। मत लीजिए वो नहीं खाएगा फिर। मेरी बार दीप्ति तुम अच्छा बना रही अनवी खा रही कि नहीं खा रही है। थैंक यू अच्छा बना टोपी मेरे को नहीं पता तेरा हैनी कोला टोपी। देखिए बच्चे लोग ना यहाँ पे सो रहे हैं, मतलब सोचे तो लाडो आदि को समझ में आता है कि भाई लोग सासु है, लाडो अपने बहन के साथ सो रही है, मतलब मम्मी पापा इसको नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। दादी घर में इतना अच्छा लग रहा है इसको भैया दीदी के साथ सोना कि बस मम्मी पापा नहीं चाहिए। ये ना लाडो पहली बार मम्मी पापा के बगैर सो रही है। हाँ देखो पार्टी तो अभी लग जाएगा। संकेत उसको सुलाना है, जगाना नहीं है। कल मुंबई के लिए ट्रेन है, मुंबई निकलना है मुंबई। आज जितना हो सके भैया दीदी के साथ सो जाओ, कल ट्रेन है मुंबई के लिए। वापस हम लोग जा रहे हैं मुंबई, तुम्हारा स्कूल वाला घर, समझ गई। हाँ सुनी क्या बोली, बहुत दिन तक हम नानी घर में इसको रखे तो अभी बहुत दिन तक यहाँ रहेगी। मतलब तुमको ये दादी घर अच्छा लगता है ज्यादा या नानी घर? दादी घर। दादी घर सबको पसंद। तो नानी घर में तो तुम मस्ती की ना, शादी वादी था, पार्टी था, तो नानी घर अच्छा नहीं लगा? दादी घर ही अच्छा लगता है। इलेक्शन है इसको सोने वाले, देखिए वो खेलेगी नहीं सोएगी।